ऐसी है, मेरी रंगोली बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। वेलकम टू दी चैनल। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइज, आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड आप देख सकते हो हमारा टीवी भी लग चुका है, एंड जो साइड पे लाइट लगानी थी वो भी लग चुकी है, बस मुझे ये क्लीनिंग करनी है अभी। सो गाइज, क्लीनिंग का काम फिनिश करने के बाद मैंने ये रंगोली बना ली थी। पहले मैंने यही वाली रंगोली बनाई थी। एक्चुअली मुझे रंगोली बनाना इतनी अच्छी नहीं आती है, और मैंने बहुत देर से रंगोली बनाई भी नहीं, जब से दुबई शिफ्ट हुए हैं तब से मैंने रंगोली नहीं बनाई थी। एंड यस, इंडिया में मैं बनाती थी दिवाली के ओकेज़न पे। बस रंगोली मैंने ये वाली बना दी है, बस इसके चारों साइड में टी लाइट कैंडल्स या दिए वगैरह रख दूँगी शाम के टाइम पे। और इस टाइम श्रेयांश और उसके पापा गए थे बरदुबई, एक्चुअली मुझे कुछ फ्लावर्स मंगवाने थे और श्रेयांश को क्रैकर्स वगैरह लाने थे। और ये सेकेंड रंगोली है जो मैंने बनाई थी, ये भी लाइक हार्ट शेप में, और बीच में मैंने शुभ लाभ लिखा है, और बीच में एक नारियल टाइप या इस टाइप का बना दिया, कुछ और साइड पे दिया। बस ये मेरी रंगोली बन करके तैयार हो गई थी। अब मुझे करनी थी पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी मैंने ऑलमोस्ट पहले ही कर ली थी। एंड गाइस, प्लीज़ मिट्टू की साउंड को इग्नोर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी शाउट कर रहा है। एंड यहाँ पे हमारा टीवी भी लग चुका था, एलईडी लाइट्स भी जो मैंने साइड पे सोचा था वो भी हो गया था, एंड कारपेट वगैरह भी यहाँ पे बिछा दिया था, रंगोली भी मैंने बना दी थी। और इस तरीके से मैंने ये वुडन टेबल पे टी लाइट्स कैंडल लगा दी थी, और ये मैंने DIY किया था खुद, जो जिसमें मैंने ये कैंडल्स रखी हुई हैं। और बस यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी हो रही थी, एंड श्रेयांश और उसके पापा भी बरदुबई से इस टाइम वापस आ गए थे। बस अभी हम लोग करेंगे पूजा, और यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे कंपनी में पूजा करने के लिए। गाइज, जो साइड पे पॉलीथीन पड़े हैं तो उनको प्लीज़ इग्नोर करना, एक्चुअली वो हमने खाना मंगवाया था कंपनी वालों के लिए, तो बस वही हमने यहाँ पे रखा था। और आप देख सकते हो मेरा डाइनिंग टेबल भी अच्छे से डेकोरेट हो गया था। और बस अभी हम पूजा करेंगे, और पूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे कंपनी में पूजा करने, एंड देन उसके बाद घर आकर करेंगे डिनर। तो बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। और डाइनिंग टेबल मैंने कैसे डेकोरेट किया है वो आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, कैसे क्या चीज़ें कहाँ रखी हैं मैंने वो सब आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ।
सो गाइस, अभी हस्बैंड भी आ गए थे पूजा करने के लिए और बस अब हम सब मिलके पूजा करेंगे पहले, देन उसके बाद हमें कंपनी भी जाना है पूजा करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि श्रेयांश और उसके पापा भरदुबई गए थे, तो वहाँ से आते आते भी उनको काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक थी और भरदुबई में भी बहुत ज़्यादा रश था। तो बस हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपनी पूजा कंप्लीट की एंड श्रेयांश को बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी थी कंपनी जाने के लिए क्योंकि उसको चलाने थे पटाखे, तो वो बार बार बोले जा रहा था मामा जल्दी करो जल्दी करो, कंपनी भी जाना है ना, पूजा का टाइम निकल रहा है, जल्दी करो। सो बस हम लोग जल्दी से यहाँ पे पूजा कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे कंपनी में पूजा करने के लिए। एंड गाइज, आप देख सकते हो श्रेयांश यहाँ पे टिक्के नहीं बैठ रहा था एक जगह, वो बस इधर से उधर, और उसको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी थी। एंड इसको ये जो मैंने आउटफिट डलवाया है, ये हमने मीना बाज़ार से लिया था कल्याण सिल्क से शेरवानी इसके मामू की शादी पे, तो बस एक ही बार इसने मामू की शादी में डाली थी और उसके बाद अभी उसने रिसेंटली स्कूल में सेलिब्रेशन था दिवाली का, तो तब वो डाल के गया था। तो सो गाइज, अभी हमारी यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई थी और मैं यहाँ पे आपको डेकोरेशन दिखा रही थी। वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था बट वो इनकम्प्लीट थी, तब डाइनिंग टेबल को मैंने डेकोरेट नहीं किया था, तो अब मैं आपको कंप्लीट डेकोरेशन बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रे में ग्लास बाउल जो हमने लाया था डे टू डे से, उसमें पानी डाल के देन फ्लावर पेटल्स लोटस और रोजेस के फ्लावर्स और बीच में फ्लोटिंग कैंडल्स लगा दी थी। साइड पर मैंने ये दो डेकोरेटिव कैंडल्स के पीसेस रखे थे और साथ में कुछ टी लाइट कैंडल्स और कुछ दिया थे, दिया मुझे अभी जलाने हैं। बस पूजा वगैरह हमारी डन है, हस्बैंड थोड़ी सी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग लगाएंगे दिए एंड दिए लगाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे कंपनी के लिए। एंड गाइस, ये रही रंगोली एंड आई होप ठीक ठाक ही बनी है। सो यहाँ पे साइड पे थे कुकू और मिट्टू एंड कुकू और मिट्टू बस लाइट को ही देखे जा रहे थे कि ये क्या झिलमिल झिलमिल हो रहा है, बस वो बस उन्हीं को देखे जा रहे थे। एंड बस गाइस, अभी हम लोग निकलेंगे कंपनी के लिए, पहले मैं आपको बालकनी की डेकोरेशन भी दिखा देती हूँ, वैसे मैंने दिखा रखी है। तो बालकनी में भी हमने इस तरीके से ये स्टार फेरी लाइट्स लगवाई थी जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। एंड बस ये साइड पे जो स्ट्रिंग्स लाइट्स लगाई हैं, ये हमारी लास्ट ईयर की थी एंड काफ़ी लेंदी थी, ये पूरे बालकनी को इसने कवर कर लिया एंड इट लुक्स सो प्रीटी। एंड गाइस, बालकनी में मैंने नीचे ग्रीन कारपेट भी बिछा दिया था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ ग्रीन ऐड करूँगी, प्लांट्स वगैरह हमने नहीं लगाए हैं बट कारपेट बिछा दिया है। एंड गाइस, ज़्यादा नहीं बट मैं कुछ प्लांट्स लगाने की सोच रही हूँ बालकनी में, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जब सैंडस्टॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बट सोचा है मैंने, देखो अब आगे आगे क्या होता है। बट अभी जस्ट हमने दिवाली की डेकोरेशन की है एंड यू नो गाइस, रिसेंटली हमने शिफ्टिंग की है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सब कुछ एक साथ हम अरेंज कर सकें, बट जितना जितना हमसे हो पाया हमने उतना किया। एंड गाइस, जहाँ तक घर को सजाने की बात है, वो तो चलती रहेगी, जब चाहे हम घर को अपनी मर्ज़ी से सजा सकते हैं, जैसा चाहे हम सजा सकते हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि जो दिवाली की डेकोरेशन थी इतने कम समय में हमने कर ली और जैसी भी की आपके सामने है। सो गाइस, बताना कैसी लगी आपको हमारे घर की डेकोरेशन और दिवाली की रंगोली वगैरह। सो
बस यही था, हस्बैंड कर रहे थे, दिया वगैरह लगा रहे थे, उसमें ऑयल वगैरह डाल रहे थे। बस अब हम लोग दिया जलाएंगे एंड दिया जलाने के बाद हम कंपनी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे मैं दिया जला रही थी एंड हस्बैंड वाज शूटिंग माय वीडियो एंड थैंक्स टू हिम। तो बस अभी हम लोग दिया जलाएंगे एंड बस गाइस यही था हमारा दिवाली का व्लॉग। कैसा लगा आपको? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस इसके बाद हम लोग कंपनी के लिए निकलेंगे, कंपनी में पूजा करेंगे एंड देन वहाँ पर श्रेयांश कुछ पटाखे वगैरह जलाएगा जो लेकर के आए था। बस गाइस दिए जलाने के बाद श्रेयांश ने थोड़ी सी फुलझड़ियाँ घर पे भी जलाई एंड मैंने भी एक दो जलाई एंड श्रेयांश के पापा ने भी, क्योंकि इट्स यू नो थोड़ा सा घर पे भी होना चाहिए। वैसे हम लोग नहीं कर सकते यहाँ पे ज़्यादा, अब हम पटाखे तो नहीं चला सकते बट एटलीस्ट फुलझड़ी वगैरह तो चला ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो तीन फुलझड़ियाँ जलाई और उसके बाद हम लोग कंपनी में चले गए थे। रोशनी लाई जिंदगी गाई, खुशियां हैं आई, होगा ये नया आसमान ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, रोशनी लाई जिंदगी गाई, खुशियां हैं आई, होगा ये नया आसमान ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, गाइस घर के मेन डोर, किचन और बेडरूम और बाकी हिस्सों में दिए लगाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए। और डाइनिंग टेबल पे मैंने ये चारों कॉर्नर पे एक एक ये जो दिया टाइप कैंडल्स आती हैं वो लगा दी थी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर डाइनिंग टेबल। और इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया था डाइनिंग टेबल को। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा था। रोशनी लाई जिंदगी गाई, खुशियां हैं आई, होगा ये नया आसमान ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, एंड गाइस ट्रे के साइड पे ये मैंने कलरफुल जो डेकोरेटिव कैंडल्स लेकर आई थी वो मैंने लगा दी थी एंड आप देख सकते हो ये फाइनल लुक था हमारे डाइनिंग टेबल का। एंड इस तरीके से मैंने अपने डाइनिंग टेबल को डेकोरेट किया था दिवाली के लिए। एंड कैसा लग रहा है, मैंने थीम रखा था गोल्डन कलर का जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। एंड भरदुबई से रोजेस के फ्लावर्स बहुत ही अच्छे मिल गए थे, लाइक जो बड़े वाले मिलते हैं इंडिया में वैसे ही मिल गए थे। एंड यहाँ शारजा में मैं मॉल से लेकर के आई हूँ दो तीन बार बट वो जो रोजेस के फ्लावर थे वो बहुत ही छोटे छोटे से थे एंड ये फ्लावर्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे थे। और ये थी डेकोरेटिव कैंडल जो मैंने साइड्स पर लगाई थी ट्रे के साइड दोनों साइड।
वैसे ये कैंडल्स मैं मेन डोर के लिए लाई थी, बट मैंने यहाँ लगा दी डाइनिंग टेबल पे, विच लुक्स प्रिटी गुड। रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ आई, होगा ये नया आसमान, ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ आई, होगा ये नया आसमान, ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ आई, होगा ये नया आसमान, ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, गाइज़। यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट मोड पे कर दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही थी। वैसे भी मैंने बहुत सारी क्लिप्स डिलीट कर दी थी इसमें से, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही थी, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेना। एंड गाइज़, बस यहाँ पे मैंने और श्रेयांश ने कुछ फुलझड़ियाँ जलाई, और उसके बाद पापा को भी, श्रेयांश के पापा को भी बोल रहे थे कि वो भी आके जला लें, एंड ही वॉज शूटिंग माई वीडियो। तो फ़ोन मैंने ले लिया था उनसे और मैं उनकी वीडियो शूट करने लगी थी, एंड बस वो भी यहाँ पे फुलझड़ियाँ जलाएंगे और श्रेयांश के साथ एंजॉय करेंगे। बस गाइस, ऐसे ही रही हमारे घर पे दिवाली, एंड आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, बट आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज मैंने बहुत सारी इसमें से क्लिप्स डिलीट कर दी हुई हैं ऑलरेडी, एंड बहुत ज़्यादा अगर मैं डिलीट करूँगी या फास्ट मोड पे करूँगी तो आपको देखने में वो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने जैसे थी वैसे चलती जा रही है और बहुत सारी क्लिप्स मैंने इसमें से डिलीट कर दी हुई हैं। एंड गाइस, ये तो था हमारा दिवाली सेलिब्रेशन जो हमने घर में किया। बस अब हम कंपनी के लिए निकल रहे थे और श्रेयांश के पापा यहाँ पे खाना लेकर के जा रहे थे जो हमने ऑर्डर किया था कंपनी वालों के लिए, तो बस धीरे धीरे वो पहले खाना छोड़ के आएंगे और उसके बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे कंपनी के लिए, एंड मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कंपनी में जा कर के, और दिखाती हूँ कि कंपनी को कैसे डेकोरेट किया है दिवाली के लिए, तो वहाँ पे जाके आपको दिवाली डेकोरेशन भी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे श्रेयांश के पापा सामान छोड़ के आ गए थे सारा खाना, और अभी हम लोग भी निकल रहे थे यहाँ से, एंड श्रेयांश को मैं डोर लॉक करने के लिए बोल रही थी बिकॉज मेरे हाथ में भी सामान था, एंड श्रेयांश ने डोर लॉक किया, और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं कंपनी के लिए और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कंपनी में। Oh, oh, oh.
एंड गाइस अभी हम लोग पहुंच गए थे अपनी कंपनी कासर मरदीफ जो कि सज्जा में है। एंड आप डेकोरेशन देख सकते हो कितनी प्यारी कर रखी है। ये तो सिर्फ आउटर व्यू है, आपको अंदर से भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से डेकोरेट कर रखी है। सो वी वर वेटिंग कि कोई ओपन करे डोर। एंड हमारी कंपनी हमारे घर से 30-40 मिनट्स की दूरी पर है, तो बस अब लोग हम पहुँच गए थे और मैं भी काफ़ी देर के बाद आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि दूर है तो मैं बहुत कम ही आती हूँ। आई थिंक साल से ज़्यादा हो गया था मुझे आए हुए। तो बस आप देखो डेकोरेशन कितनी प्यारी कर रखी है, कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है। और यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए थे और उनको भी अच्छे से डेकोरेट किया था। आप बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये डेकोरेशन इतनी प्यारी कर रखी थी। एंड बस अब हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। एंड पूजा करने के बाद जो हमने खाना वगैरह लाया वो देंगे और मिठाई वगैरह देंगे और उसके बाद हम घर की तरफ चलेंगे। एंड यस, एक चीज़ तो मैं भूल के बताना, श्रेयांश अपने पटाखे वगैरह चलाएगा और उसके बाद हम जाएंगे घर वापस। तो चलिए पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद श्रेयांश पटाखे फोड़ लेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दूंगा कितना है ना, पड़ोस रखो जो नहीं है जी, क्या हुआ चला साई, कभी मैंने छोड़ दिया। दो हो चाहिए, दोनों के दोनों। चलो ना फेस इस साइड करना लाडो। गाड़ी कितना जा रही है?
सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए थे घर वापस और बस ऐसे ही रहा हमारा दिवाली सेलिब्रेशन एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। श्रेयांश वाज सो हैप्पी। बस कुकू मिट्ठू भी अभी तक नहीं सोए थे, हमें लगा सो गए होंगे, बट वो भी अभी तक नहीं सोए थे क्योंकि उनको लाइट्स दिख रही थी और हमने लाइट्स ऑन करके ही छोड़ गए थे, तो उस वजह से वो भी नहीं सो पाए। बस अभी हम लाइट्स ऑफ करेंगे और वो भी सो जाएंगे। वैसे तो लाइट ऑफ नहीं करते, बट एक लाइट ऑफ करेंगे जिस साइड कुकू मिट्ठू हैं वो ऑफ करेंगे, तभी वो सो पाएंगे, अदरवाइज़ वो सो भी नहीं पाएंगे। तो बस गाइस, ऐसे रहा हमारा दिवाली सेलिब्रेशन कैसे, एंड आई होप कि आप सबका भी दिवाली सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा होगा, एंड आई विश कि सबका दिवाली सेलिब्रेशन एवरी ईयर बहुत अच्छा रहे और सब खुशियों से मनाए। एक साल में एक बार आता है और मैं चाहती हूँ कि सबका दिवाली बहुत अच्छा जाए। एंड दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, सब फेस्टिवल्स को छोड़ के, वैसे तो सब हैं लेकिन दिवाली सबसे ज़्यादा है क्योंकि पूजा वगैरह होती है एंड बहुत अच्छा लगता है। घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, वैसे भी डेकोरेशन करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस गाइस, यही था आज तक का व्लॉग एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जैसे भी हम लोग यहाँ दिवाली सेलिब्रेट करते थे मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड गाइस, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय गाइस, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। एंड गाइज, आई जस्ट वॉन्ट्स टू थैंक्स टू ऑल हु आर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।